Assalamu alaikum students, how are you all? Today our topic is half life. Or half life jo hai wo kya hoti hai, wo aisi hoti hai ki time during which half of unstable nuclei disintegrate is called half life of radioactive element. Utna time jisme koi bhi radioactive element hai wo half jo hai wo decay ho jaye ya disintegrate ho jaye use hum kya kehte hain, half life kehte hain. Theek hai? तो देखें आप यहाँ पे इसको समझ सकेंगे. देखिए जीरो हाफ लाइफ है तो आपके पास ये पेरेंट आइसोटोप पूरा है, ठीक है, या पेरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये पूरा का पूरा. ये आपको जो जो यहाँ पे ये मरून कलर के आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये आपका पेरेंट आइसोटोप है, ठीक है. अब वन हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, इसमें हाफ ऑफ द रेडियो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट टू इट्स डॉटर प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये ग्रीन कलर के क्या है, डॉटर प्रोडक्ट में हाफ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो डॉटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. अब क्या हुआ, फिर उसके बाद से दोबारा नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ में जो यहाँ पे हाफ थे ये वाले आइसोटोप, ये जो आपके पास हैं पेरेंट आइसोटोप, वो जो वो हाफ थे वो भी क्या थे, वो और ज़्यादा जो है हाफ में कन्वर्ट हो गए, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास और कम ही रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और अब ये 8 जब दोबारा से डिसइंटीग्रेट होंगे थर्ड हाफ लाइफ में तो आपके पास ये 4 रह जाएंगे. तो इस तरह जो है हाफ लाइफ जो है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इस तरह से चलती रहती है. और एंड पे वो स्टेबल जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है हाफ लाइफ जो है वो हमारी इसी तरह से रहती है, ठीक है. देयर इज़ एन अदर एग्जाम्पल, आप यहाँ से भी समझ सकते हो. स्टार्ट में देखें आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट फुल इस तरह से, जब फर्स्ट हाफ लाइफ हुई तो आपके पास हाफ जो इसके अंदर से जो जो एलिमेंट है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर प्रोडक्ट में. ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये डॉटर प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो गया. फिर आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अब जो एक हाफ पीरियड गुजर गया सेकेंड हाफ पीरियड आया तो जो बाकी आपके पास हाफ रह गए थे ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 में से अब आपके पास पीछे कितने बच के, 1, 2, 3, 4, ठीक है. सेकेंड हाफ लाइफ में आपके पास जो है ये 8 जो हैं ये किस में और हाफ में कन्वर्ट हो गए. अब थर्ड हाफ लाइफ में आपके पास ये जो 8 थे ये और हाफ में कन्वर्ट होके देखें आपके पास 2 रह गए. इस तरह से होते होते ठीक है पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका डॉटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो रेडियो एक्टिव डिके क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव सॉरी सैम्पल ऑफ रेडियो आइसोटोप टू अंडर गो रेडियो एक्टिव डिके इज इट्स हाफ लाइफ. क्या होता है कि जिसमें हाफ ऑफ न्यूक्लियाई जो है हमारा रेडियो एक्टिव सैम्पल का वो रेडियो एक्टिव डिके उसमें होता है, ठीक है. तो वो क्या होता है, ये चीज़ क्या है, हाफ लाइफ है. अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 हमारे पास कितने टाइम में जो है ये डिसइंटीग्रेट होता है, ये है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है. आयोडीन 131 की 8.07 डेज है, ठीक है. और आपके पास पोलिनियम 194 की 0.7 सेकेंड्स है. तो ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स की हाफ लाइफ है जो कि कम भी हो सकती है, सेकेंड्स में भी है और बिलियन ऑफ ईयर्स में भी है. नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल इन योर बुक, एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट. देखें अब ये नहीं होता, आपने जैसे तीन एग्जाम्पल्स अभी देखी यहाँ पे, यूरेनियम की है, पोलिनियम की है, इसके अलावा आयोडीन की देखी, हर एक की अपनी हाफ लाइफ है, अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अपना टाइम है. इसी तरह से अगर आप रेडियम को देखते हो तो रेडियम की हाफ लाइफ कितनी है, आफ्टर जो है अगर आपका 1 kg रेडियम है तो वो 1620 ईयर्स में हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट 1620 ईयर्स में वो 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट 1620 ईयर्स में 1/4 के हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक जो है रेडियम जो है वो किसी दूसरे डॉटर न्यूक्लियाई में फुली कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है. अब ये चीज़ समझिएगा, इन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज T^(1/2). हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम क्या कहते हैं, टी सबस्क्रिप्ट में है आपके पास 1/2, ठीक है. देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम द नंबर ऑफ एटम इन सैम्पल विल बिकम हाफ, दैट इज 1/2. देखें आपकी हाफ लाइफ क्या थी,
देखिए पहली हाफ लाइफ ये है कि आपके पास पूरा सैंपल है, ठीक है, तो टी वन बाई टू फर्स्ट हाफ लाइफ को कह रहे हैं, तो पूरा सैंपल वन से हाफ में कन्वर्ट हो गया इन फर्स्ट टाइम पीरियड, टी रेस्ट टू पावर वन बाई टू। अब जब आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ आई तो उसमें आपका टाइम पीरियड क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वन बाई फोर्थ में। देखिए वन बाई टू पहले था फिर वन बाई टू में कन्वर्ट हुआ, तो वन बाई टू स्क्वेयर इक्वल्स टू वन बाई फोर, ठीक है। अब थर्ड टाइम जो थर्ड हाफ लाइफ थी, थ्री टी रेस टू पावर वन बाई टू, ठीक है, सॉरी सबस्क्रिप्ट में वन बाई टू है, मैं रेस टू पावर कह रही हूँ, सॉरी सॉरी फॉर दिस। द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम आपके पास वन बाई टू, वन बाई टू एंड वन बाई टू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू क्यूब, जो कि वन बाई एट की इक्वल होता है। तो एट द एंड ऑफ टी हाफ लाइफ जो है इसका नंबर, अब देखें ये थर्ड हाफ लाइफ है, ठीक है, अब इसी तरह हाफ लाइफ कंटिन्यू रहती है, ठीक है, तो एंड में आपके पास नंबर ऑफ टी जो है, ये जो आपके पास ये है, ये कितना रह जाता है, विल बी वन वन बाई टू रेस टू पावर टी, ठीक है, कि आपके पास टी टाइम जो है एंड में, हमें नहीं पता इसकी 10 रेडियो एक्टिव लाइफ हैं, 4 हैं, 5 है, कितनी है, तो यहाँ पे आपके पास जो है जो भी नंबर होगा आप वहाँ पे ऐड करोगे। इट मीन्स डैट एन नॉट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम, देखें यहाँ पे देख लो, एन नॉट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम इन द सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देन टी हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इन द सैम्पल कैन बी डिटर्मिन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। कि आपके पास टी हाफ लाइफ के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, इनको आप कैसे लिख सकते हैं, ये पीछे आपने जो किया था, आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम और आपके पास ये जो आपने हाफ ऑफ टी जो है वो निकाला है, कि आपने जिस तरह यहाँ पे वन बाई टी का स्क्वायर था, ठीक है, फिर वन बाई टी का क्यूब हो गया, तो टी टाइम्स कितना है, वन बाई टू टी है, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और रिमेनिंग एटम आपके पास एन है, तो आपके पास रिलेशन क्या है, एन इक्वल्स टू ओरिजिनल एटम इंटू वन बाई टू रेस टू पावर टी। सो दिस इज़ योर ओरिजिनल रिलेशन फॉर द हाफ लाइफ। यहाँ से आप किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के तहत। नेक्स्ट आपके पास कुछ कंडीशंस हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन। जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी तो ये डिपेंड नहीं करेगी केमिकल रिएक्शंस पे और केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, ये डिपेंड नहीं करेगी। इट ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाई, ना तो ये फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन पे ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।